हेलो बच्चों, आज जो अपने मैथ में जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं प्रतिशत। ठीक है, अब अपने किसी भी संख्या का प्रतिशत वगैरह कैसे निकालते हैं उसको मैं लेके आई हूँ। ठीक है, अब देखो प्रतिशत का जो निशान होता है वो अपना ये होता है। अगर अपने ये जो निशान हटाएंगे तो बटे में हमेशा सो आता है, और जब अपने ये निशान ज्ञात करते हैं तो गुणा में सो आता है। ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन दे दिया कुछ भी कि 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब क्या है। अगर मैं प्रतिशत ना हूं तो 30% आया तो मैंने नीचे क्या लगाया 100, इसको काटेंगे तो यानी कितना आया 3.3 आ गया, यानी सिंपल वे में ले। ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी संख्या एक्स का मतलब कोई भी हो, मान लो किसी व्यक्ति के 100 में से 70 नंबर आए, ठीक है, तो उसको प्रतिशत में बदलो, तो यानी 100 में से कितने आए, 70 आए, यानी 100 में से 70 आए, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे कितना ये इससे कट गया, तो आंसर उस व्यक्ति के कितने नंबर आए, 70% क्वेश्चन आए, नंबर आए। ठीक है, इस हिसाब से जो अपना टॉपिक है वो प्रतिशत है, उसको अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि 36% को भी में बदलो। ठीक है, 36% को किस में बदलना है, भिन्न। भिन्न का मतलब होते हैं बटे में संख्या, यानी अंश बटे हर। भिन्न का मतलब होता है जैसे p बटे q, तो ऊपर वाला ये होता है, ये हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अगर ये भिन्न वाला टॉपिक समझना है तो पीछे मैंने पूरी वीडियो डाली है, उसको समझ सकते हो, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट में मैंने डाली हुई है। भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्या होती है वो बटे में, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अब इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न का मतलब होता है जैसे 36% है, अगर मैं इसको परसेंट को हटाऊंगी तो नीचे क्या लगाऊंगी, 100 लगाऊंगी। अब देखो अगर इसको मेरे को भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना ये जैसे भिन्न हो गया, लेकिन इसको अपने सरलतम डालना है। अगर एक ही टेबल में कटे था, अगर 2 से काटूंगी तो 18 बटे कितना हुआ, 50, अगर फिर 2 से काटूंगी तो 9/25, यानी इसका आंसर भिन्न में कितना है, 9/25। 36/100 भी अपना आंसर हो सकता है, लेकिन कोशिश किया करो कि इसको अगर एक ही टेबल में कटे तो उसको काट के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है। सेकंड जैसे अपना कोई क्वेश्चन आता है कि 0.15% को भिन्न में बदलो, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो 0.15% है, प्रतिशत को हटाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, बटे 100, और ये अगर मैं पॉइंट और हटा दूंगी तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15/10,000। ठीक है, अगर इसको मैं काट के लिखूं, 5 की टेबल में 5 थी 15, और ये कितना आ जाएगा अपना 2000, तो भिन्न में कितना हो गया, 3/2000। इसका इस टाइप से अपने क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, जैसे आ गया 16/25 को प्रतिशत में लिखो, प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अब देखो 16/ यानी 25 में से किसी व्यक्ति के 16 नंबर आए हैं तो उसका प्रतिशत में कितने आए हैं, 16/25 इंटू, मैंने कहा था जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से मैंने गुणा किया, 25 से काटा, 25 चौके 100, और ये हो गया 16 चौके कितने हो गए, 64, यानी उसके परसेंट कितने आए हैं, 64 उसके परसेंट आए हैं। ऐसे ही आप अपने जैसे एग्जाम में जितने नंबर आते हैं उसके अपने परसेंट निकाल सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के 700 में से 552 नंबर आए हैं तो उसका परसेंट निकालो, परसेंट निकालने के लिए 100 से ये कट गया, इसको भाग देंगे कितना आएगा, 49, 7 गया, कितने बचे, 6 बचे, और 6 बचे, फिर 8×7=56, 62×6 फिर 6 बचे, और फिर उसके बाद 8, यानी 48.8% उसके कितने हैं, उसके परसेंट आए। इस तरह अपने परसेंट है, कोई भी संख्या है, ये तो फिर जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार इसमें क्वेश्चन है वो घुमा के पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया अपना 40/50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, अब कहना क्या चाह रहा है, ये प्रतिशत है, यानी है वो 40 है, वो 50 का कितना प्रतिशत है, यानी 40/50 का कितना प्रतिशत है, यानी 50 में से, यानी किसी व्यक्ति के 50 में से कितने नंबर आए हैं, 40, यानी 40/50 का कितना प्रतिशत है, तो पर्ची अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तो भाग दे नहीं सकते, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से तो भाग दे नहीं सकते, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हुआ, 400/5, तो कितना हुआ अपना, 80%, तो आंसर कितना, यानी किसी व्यक्ति के 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके कितने परसेंट आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं। ठीक है बच्चों,
इसी तरह जैसे आगे अगर अपने क्वेश्चन की बात करें, थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं। ये तो थे जब सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हर कोई व्यक्ति कर लेता है, लेकिन अपने क्वेश्चन है थोड़ी सी ठाड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे इसमें क्या कहा है, जैसे मान लो 1600 का x प्रतिशत बराबर x प्लस 20 बराबर है 1300, तो x का मान ज्ञात करो। अब एग्जाम है उसमें, कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से। यहाँ पे कितना लिखा है 1600, हमेशा ध्यान, प्रतिशत में का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, का मतलब मल्टी, x प्रतिशत है, x प्रतिशत डालेंगे तो कितना आएगा 100, यहाँ पे कौन सा निशान है प्लस का, यहाँ पे कितना आया 20 और यहाँ पे कितना दिया है 1300, यानी यहाँ पे अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में कैंसिल, 16 को x से किया कितना हुआ 16x, और प्लस कितने हुए 20, यहाँ पे कितना हुआ 1300, अपने को x का मान दिया था 16, ये प्लस है उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी 1300 माइनस के 20, यानी 1300 में से 20 के कितने बचे 1280, ये हो गया 16x, ठीक है। तो यानी 16x इज इक्वल टू 1280, x इज इक्वल टू 1280 बटे 16। अब इसको अपने जब 16 को 1280 से भाग देंगे कितने पे जाएगा, डायरेक्ट जा सकता है ये तो, ठीक है बच्चों, कितने पे जाएगा। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, तो अपने इसको कैसे करेंगे, कितने पे जाएगा, ये जाएगा 8 पे, 8 पे जाएगा, तो कितना हुआ 80, यानी x का जो मान कितना है वो 80 आया, 80% है, तो परसेंट है, इसका मतलब x का मान कितना आया है 80%। पहले अपने ने सिंपल निकाला x, फिर परसेंट में करेंगे तो 80 से मतलब भाग देंगे तो मतलब गुना करेंगे तो 80% हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ये अपने प्रतिशत वाले क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ घर के लिए, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। एक्स का 35% इक्वल टू है 600 का 105%, ठीक है। इसमें अपने को x का जो मान है वो ज्ञात करना है कि x का मान है वो कितना आएगा, इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।